करण क्या हुआ, बाहर जाना है? प्लीज बाहर जाने, ये देख लॉकडाउन में क्या कर लिया मैंने अपने आप को। चलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये है लॉकडाउन का साइड इफेक्ट मुझ पे, ऑलमोस्ट क्लीन शेव है, बिखरे हुए बाल है और डबल चिन भी आने लगी है, पर मुझसे ज्यादा अंजलि पे इस पे इफेक्ट हुई है। तो देखते हैं अंजलि पे कौन सा इफेक्ट है इसका। अंजलि हाँ? क्या कर रही है तू? मैं दोबारा केक बनाने जा रही हूँ। पर इतना तैयार होकर क्यों बना रही है तू? यार एक्चुअली ना मैं लॉकडाउन में बहुत बोर हो चुकी हूँ, और ना लास्ट टाइम की जो वीडियो थी ना उसमें मैंने जस्ट सो के उठ के शूट किया था, इतना लाइक आया ही मेरी पूरी की पूरी नींद में हो रखी थी। तो मैंने सोचा इतने दिन से नाइट ड्रेस पहन रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा अच्छा दिख जाते हैं। मतलब तू लिपस्टिक काजल ये चूड़ा सब पहन के आ गई? हाँ मैं सब पहन के, सब पहन के आज केक बनाएंगे। आज मैं सब पहन के केक बनाऊंगी और अच्छा बनाऊंगी। देखा मैंने गलत नहीं बोला था, इस पर ज्यादा इफेक्ट हुआ है लॉकडाउन का, क्योंकि इतना तैयार होके कौन केक बनाता है पता नहीं। पर अंजलि एक बात बता, तुझे ये केक बनाने का भूत सवार क्यों हो रखा है? एक्चुअली लास्ट टाइम ना बहुत गंदा बना था केक, मतलब जल गया। केक तो अच्छा बना था पर जल गया था। जल गया था तो मेरा दिल दुख गया था इसलिए, क्योंकि मैंने पहली बार खाना बनाना स्टार्ट किया, मैं सब अच्छा बना रही हूँ। और तीन बेकरी से जाके जो तू केक का पूछ के आई और तुम धक्के मार के तुझे बाहर निकाला कि मैडम जी आप शर्म नहीं आती अब केक मांगने आ रहे हो लॉकडाउन में, वो बताओ सबको बताओ। एक्चुअली ना मेरा स्वीट टूथ है, मेरे को बहुत मीठा खाने का शौक है, तो बीच में क्या हलवा बनाया था ना, हलवा बनाया था बीच में, हमने दो तीन बार हलवा बनाया, फिर लास्ट में मेरे दिमाग में बुद्धि आई कि उसमें घी बहुत यूज होता है और मुझे घी बहुत निकालना पड़ता है, तो मैंने बनाना बंद कर दिया। अब मुझे केक बनाने का भूत सवार हुआ है। आज कौन सी केक बना रहा है? आज हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। बनेगी? फिंगर्स क्रॉस। ठीक है चलो देखते हैं, आपको पता चल ही जाएगा कि बनेगी या नहीं केक ऑलमोस्ट। तो अंजलि अब रेसिपी कहाँ से स्टार्ट होती है? मैं रेसिपी इस बार ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शेफ की तरह रेसिपी बताई थी और केक क्या बना था देखा ही होगा आप लोगों ने, तो मैं सिर्फ थोड़ा आइडिया दे दूंगी आपको कि मैंने जिस यूट्यूब से लिया है वीडियो मैं वहाँ कॉपी कर दूंगी नीचे लिंक। नहीं नहीं पर अच्छा है ना, शुक्र है भगवान का कि हमारे सब्सक्राइबर कम नहीं हुए। हाँ सही बात है, वो केक बनाने के बाद। अंजलि ये हमने क्या क्या डाला इसमें? हमने पहले 3 चम्मच दही डाल दिया। ओके ठीक है, फिर हमने उसके बाद ऑयल डाला, फिर हमने कोको ऑयल डाला, फिर हमने मैदा डाला, फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कॉफी पाउडर ना, बस इतना ही डाला है। अब कितने देर तक ये करना है? अरे एक्चुअली मैंने पाउडर शुगर नहीं लिए, जो लोग पाउडर शुगर रहते हैं उनको ऐसे बैटर तक कर लेंगे, बट मेरे को थोड़ा शुगर को वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब पाउडर करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा विस्क ज्यादा करना पड़ेगा एक्चुअली। सो गाइस वी नीड योर हेल्प, जो विस्पर चैनल हम लोगों ने किया था वो काफी सारे लोगों को आप में से पसंद आया था, काफी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, तो सोच रहे थे कि मैं और अंजलि को एक और ऐसा चैलेंज गेम खेले। तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि कौन सा चैलेंज गेम हम खेल सकते हैं प्लीज कमेंट डाउन बिलो, विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीक के जो व्लॉग में है उनमें से कोई एक चैलेंज हम लोग करेंगे। अंजलि भूख लगी है, कितना टाइम लगेगा इसमें? इसमें तो बन गया तो खा पाएगा, नहीं बना तो नहीं। मतलब अभी कितना टाइम है, क्या करना है? अभी बस मैं विस्क कर रही हूँ, फिर इसमें घी लगा के मैं थोड़ा सा मैदा डाल के फिर इसमें बैटर डाल दूंगी। अच्छा फिर आधे घंटे एक घंटे बाद? हाँ। और अंजलि इस बार हमारा केक चिपकेगा नहीं, वो कैसा पता चलेगा? अरे एक्चुअली मुझे एक दो कमेंट्स भी आया था नीचे, और मेरी मम्मी ने भी कहा था कि मतलब बटर के साथ ना जब बटर उस पर लगाते हैं मोल्ड के अंदर, तो हमें उसके साथ में ऊपर अंदर या तो थोड़ा सा मैदा डाल देने का, जो भी आटा आपके पास अवेलेबल होगा तो इसमें डाल देने का। और अंजलि कितना, आधा किलो का केक बनेगा? मैं मेजरमेंट्स में बहुत बोल रहा हूँ, इसलिए मेरा केक इतना गंदा बना था लास्ट में। नहीं केक गंदा नहीं बना था, बट वो पूरे 3 बार बोल चुका है इस वीडियो में। क्या ये अच्छा बना था? अच्छा बना था। हाँ केक तो दिख तो गंदा ही रहता ना, लोगों को लगे तारीफ कर रहा है, तो मेरा पति है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, केक अच्छा ही बना था, बस अगर नीचे का पोर्शन कोई देख लेता ना तो वो डर जाता कि ये क्या बनाया। अच्छा अंजलि एक तो बात बता, वो सब तो ठीक है, मैं कैसा लग रहा हूँ आज? मत पूछा, मैंने से 2 घंटे बात नहीं थी लिटरली। क्यों? मतलब मैंने तुझे शेविंग करने के लिए बोला था। पर क्या हुआ, गलती से ज्यादा शेव होगी, फिर सोचा क्लीन शेव कर लेता हूँ। लिटरली आप बताओ, लग नहीं रहा छोटा बच्चा होता है स्कूल जाने, बस थोड़ा पेट निकला हुआ, मोटा बच्चा है। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं, पेट इसीलिए मैं कैमरे में ला ही नहीं रहा हूँ, यहीं तक दिखा रहा हूँ। मैं शूट करके दिखाती हूँ।
लगता है इस बार हम लोगों ने किचन थोड़ा खराब किया है ना। हाँ थोड़ा मैस हो गया। तो तू सफाई करेगी माता की तरह? हाँ करूंगी ना पूरा। ये किचन साफ करना मेरा सर्वोपरि धर्म है। मैं सोच रहा हूँ ना एक व्लॉग बनाता हूँ किचन साफ करने में। अंजलि जब किचन साफ करती है तो कैसे होती है? अगर आपने फ्रेंड्स देखा है और आपको मोनिका पता है तो ये इंडियन मोनिका है, बस वही है ओरिजिनल, जरा सा भी वो नहीं चला। और अगर इसकी सफाई में मैं या कोई और बीच में आ गया तो अनफॉर्चुनेटली ये कत्ल भी कर सकती है। सो अंजलि कर लिया तूने किचन साफ? हाँ देख कितना चमक रहा है। तो उस पे केक बन रहा है ना, मैं उसको भी साफ कर देती। हाँ वो तो मैंने जस्ट अभी बताया तो कितनी बड़ी फ्रीक है। सो वो तो सब छोड़, तू ये बता केक बन गया? कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट्स तक के लिए ऐसे रखा है, फिर आके देखूंगी डाल के। वो क्या बोलते हैं उसको, क्या चाकू? चाकू चाकू। तू सच में यार मतलब तुझे चाकू पता नहीं है? उस दिन वो पतीला था वो पता नहीं था। तू कर क्या करते क्या तू किचन में? तूने सबके ऊपर नाम तो नहीं लगा, इसे पतीला बोलते हैं, इसे चाकू बोलते हैं। यार मैं पता नहीं कैसे भूल जाती हूँ। मेरे को लगता है मुझे ना ये फियर ऑफ क्या बोलते हैं, कैमरा का फियर है। और तुझे फ्री है कैमरा का, मुझे फियर है। तो तू ब्लॉगर कैसे बनेगी? तुझे कैमरा फियर है तो ब्लॉगर तो तू बनेगा ना। तो तू क्या करेगी सिर्फ? मैं तो कंपनी दूंगी सिर्फ। अच्छा जो कुछ भी अगर फ्यूचर पैसे मिले तो तू खा जाएगी, और घूमने जो मिलेगा फ्री में वो भी। पैसे तो मैं रखूंगी ना, सवाई आधे तो मेरे ही हो गए, आधे के पूरे मेरे हो गए। हां तो अभी जो खर्चा हो रहा है वो भी तेरे अगर आधा नहीं वो तेरा। तो अभी केक बनने में 40 मिनट्स बाकी है, तो तब तक हम लोग देख रहे हैं डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। तो मिलते हैं आपको 40 मिनट्स के बाद, मतलब आपके लिए तो है सिर्फ 1 सेकंड। अंजलि केक बन गया? हां केक बन गया, चाकू डाला तो निकल तो रहा है साफ, थोड़ा बहुत बन गया ना, फूल भी गया लगता है। हां ठीक है चल, तो बाहर निकल से टेस्ट कर दे कैसा है केक। तो अंजलि कैसा लग रहा है, हमने फाइनली एक जिंदा केक बाहर निकाल ली इस बार? ऐसा लग रहा है मैंने ना वो युद्ध जीत लिया है, कोई युद्ध जीत लिया है। लास्ट जीत लिया है मैंने। लास्ट टाइम तो हमने पीसेस लास्ट का हम हार गए थे पानीपत का युद्ध। लास्ट टाइम हमने पूरे पीसेस कर करके वहां से बाहर निकाला, और जो नीचे का पार्ट था उसे पूरा काट दिया था चाकू से। इस बार कुछ नहीं करना पड़ रहा है, देख सकते हो आपकी काफी अच्छी तरीके से केक निकल गया और बहुत ही ऑसम लग रहा है। चॉकलेट फ्लेवर है ना? हाँ चॉकलेट फ्लेवर है। अभी मैंने ना वो मक्खन था ना वो निकाल रखा था, बटर वो मलाई थी ना उसको मैंने बटर के मेल्ट करके फ्रॉस्टिंग कर देते हैं अपने मस्त। अभी कितने टाइम के बाद खा सकते हैं इसे? खा तो कभी भी सकते हैं इसको। अच्छा ठंडा करने के लिए नहीं रखना जरूरी? नहीं नहीं चलेगा। ठीक है चलो तो अटैक करते हैं। नहीं नहीं पहले फ्रॉस्टिंग वाला। तो अभी लगाई जा रही है फ्रॉस्टिंग केक पे मलाई, ऑलमोस्ट मलाई विद बटर, मलाई विद बटर जो हमारा देसी फ्रॉस्टिंग है, घरेलू देसी फ्रॉस्टिंग बोलते हैं। तो अंजलि अब तो हिम्मत करने जा रही है काट के टेस्ट करने की। यस कैसी लग रही है? तो करण तू रेडी है भव्य दृश्य के लिए? हाँ रेडी हूँ। कलर अच्छा लग रहा है, टॉपिंग भी तूने अच्छा किया है, देखते हैं टेस्ट करूँ। हाँ आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। हे बजरंग बली। अच्छी है क्या? तो इसका बटर का टेस्ट अच्छा नहीं है, अब और चलेगा। केक ऑसम है, केक ऑसम है, बढ़िया। ठीक है चलो, मैं मतलब मैं केक में बनाने में अच्छी हो गई ना फाइनली? हाँ तो अच्छी हो गई, पारंगित हो गई। अभी जल्दी वीडियो बंद कर दो, केक में खा जाऊंगा फिर। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमने लास्ट वीडियो में ट्राई किया था कि केक अच्छी बने, उसमें अच्छी नहीं बनी थी, तो इस वीडियो में वापस हमने ट्राई किया कि केक अच्छी बने। और थैंक्स टू अंजलि ये केक काफी ऑसम बनी है, तो आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो केक बनाने के लिए ऐसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं केक एंजॉय करता हूँ। बाय बाय।